जन सेवा समिति के अध्यक्ष हेतु आदरणीय नवल जी मंगल साहब का नाम प्रस्तावित किया है, लोगों ने अनुमोदन किया है और नवल जी मंगल साहब का एक अकेला नाम प्रस्तावित हुआ है, इसलिए इनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है। देवली में समाज सेवा के पर्याय बने नवल किशोर जी मंगल को जन सेवा समिति देवली का सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर समिति के सभी सदस्यों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया और बधाई दी। समिति सदस्यों ने विश्वास जताया कि उनके सानिध्य में समिति द्वारा सेवा कार्यों के कई नए आयाम कायम किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि नवल जी मंगल इससे पूर्व भी जन सेवा समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं तथा निवर्तमान में संरक्षक के रूप में कार्य देख रहे थे। नवल जी मंगल द्वारा देवली शहर एवं आसपास के क्षेत्र में जो जन सेवा के कार्य करवाए जाते हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं नवल किशोर मंगल जन सेवा समिति देवली के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। मैं अध्यक्ष पद की शपथ लेता हूँ कि मैं निष्ठापूर्वक जन सेवा समिति के सभी कार्यों को सबके सहयोग से करूँगा और सबके साथ मिलकर कार्य करता रहूँगा। और आप सबका सहयोग। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप कहीं भी ये महसूस नहीं करें कि मेरे कार्यों में कोई कमी है और मैं अपनी पूर्ण क्षमता से अच्छे बढ़िया से बढ़िया कार्य करने की कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम कार्यकारिणी की घोषणा करने के साथ ही मैं अगली मीटिंग में जनता समिति के अगले 2 सालों में एक विजन प्रोजेक्ट रखूंगा कि हम लोग अगले 2 सालों में क्या करना चाहते हैं। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करके अगली मीटिंग में मैं ये पूरी आप लोगों के सामने रखूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी सोचे हुए काम है वो पूर्ण हो गए और इसके लिए आप सबका पूर्ण सहयोग मुझे पूरी आशा है मिलता रहेगा और इसके लिए एक बार मैं फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।